बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। क्या मैं वहां आ सकती हूँ आपके पास? हाँ आ सकती हूँ। आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है? आपको पता चलेगा अभी और अच्छी तरह पता चलेगा। देखना ये कि आप ये कर पाती है। अब आपके लिए हम डेर मंगवाते हैं। उठाएगा वो इसका मुंह मुंह में रखना। आप यार नहीं बोलेंगे। यार चुप चुप। मेरी हाथ पोर पे स्माइल है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप नहीं हंसे। नहीं अरे मेरे स्माइल नहीं हंसे ना। नहीं हंसे। नहीं हंसो मेरी स्माइल है। नहीं तो मैं बाहर जाए जाए बाहर जाए। उसने गाल लिखा हुआ है जो पैटर्न है। मजाक हो रहा है कोई? हां ना ये मजाक हो रहा है। गेट आउट। बाहर जाए। अरे मैं आपसे बोला क्या है? गेट आउट। मैंने बोला क्या? गेट आउट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? बिस्मा। बिस्मा खानी। हां जी बिस्मा खानी। अच्छा आई डन मैनी स्लैप्स टू पीपल। यस। थप्पड़ मारती हैं बहुत? शौक है? नहीं नहीं शौक नहीं है बस जरूरत पड़े तो। टेल अस योर डार्केस्ट सीक्रेट बॉयफ्रेंड। ये आपका सीक्रेट है? यस। किसी को नहीं पता? नहीं था अब नहीं है। मतलब अब नहीं है? नहीं। ओके तो ये अब सीक्रेट खत्म हो गई? हाँ अब खत्म। अच्छा जी और आप ये बताएं कि रिलेशनशिप के बारे में बताएं। रिलेशनशिप कोई भी नहीं है अब। अच्छा चलो बाहर जाओ जाओ। लेकिन आप कह रही हैं आपका रिलेशनशिप नहीं है कोई तो आपके हाथ पे केक क्यों बना है? पुराना है। तो ये क्यों बनवाया था? नहीं किसी को पता थोड़ी होता है कि कौन आपके साथ लाइफ में। तो केक ढूंढना पड़ेगा कोई? नहीं मेरा अपना नाम भी खानी। अच्छा तो ये ठीक है खानी। खानी चुप चुप। अच्छा ये बताइए कि आपका ये बॉयफ्रेंड जो था इसे क्या ब्रेकअप हुआ? क्या किस वजह से हुआ? उसकी शादी होगी। शादी हो गई? हाँ। तो आपने क्यों नहीं की? क्योंकि उसके फैमिली का और मतलब फैमिली इश्यूज थे काफी। चलो जाओ गिर रहा है जाओ गिर रहा है नीचे आ रहा है जाओ 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 जाओ। मदीन नवाब शाह सियालकोट दो सिंध है एक पंजाब है। हाथ ऊपर करो हाथ ऊपर हाथ ऊपर। ये हाथ पकड़ने के लिए ये आवामी जलसा नहीं हो रहा। चलो जाओ वापस जाओ वापस जाओ। वे भाई चलो जाओ जाओ जाओ। बदीन बदीन बाहर आप बीच में आ जाओ तुम आ जाओ बीच में। बदीन जाओ। वजन ज्यादा होता है तो यही होता है। ये टांग कांप क्यों रही है? कितने साल रहा रिलेशन आप? फोर इयर्स। फोर इयर्स। क्या नाम था उसका? नाम ऐसी बता रहे क्या हो गया तो खत्म। केस तो कई नाम होते हैं। खावर खावर। चलो केस है कराची भी है खानी भी है। हाँ ये भी है। जो डियर आपको दे रहे हैं वो कर लेंगे आप? कर लूंगी। लाओ भाई डियर क्योंकि आपने इसमें लिखा है मैं आप कुछ भी कर सकती हैं और अपने आपको बहुत सूरमा आपने साबित किया है तो इसलिए। हाँ भाई कैसा है मजा आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं। चलो ठीक है इसमें जो कुछ भी है वो आपके मुंह पे पहनाया जाए। ओके ठीक है तैयार है? यस। यहाँ आइए। बैठ जाओ बैठ जाओ। आप बॉक्स पकड़े और बैठ जाए जगह बैठ जाए। आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है? आपको पता चलेगा अभी और अच्छी तरह पता चलेगा। अब इसमें कोई चीज आ रही है आपके लिए ले जाए। आ गई डाल दे।
तुम्हारे साथ अगर ये किया जाता तो मैं भी कर लेता। एक टांग तो तुम्हारी कांप रही, ट्राई करता। गर्दन जकड़ लेते हैं भाई, तेरी तो टांग वैसी कांप रही थी। इधर आओ, उल्टे हो, उल्टे भी हो जाओ, उल्टे भी हो। ये लो पीछे पकड़ो कार्ड। बात सुनो, चुपचाप जाके बैठ जाओ, सिलेक्शन होगी तुम्हारी। चलो बैठ जाओ। इनकी होनी चाहिए सिलेक्शन, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इतना टाइम ही नहीं हुआ इसे। तुझे कितना टाइम हो गया भाई? एक टांग भी बहुत मुश्किल है। कैसे हासे दो तुम यार, हाँ? चलो हम तुम्हें भी कराते, हम कराते फिर होगी सिलेक्शन। और देर से कराएंगे, कितनी देर चाहते हो? एक घंटा है, अब यू कार्ड यूनियन कर रहे हैं। करूँगा मैं ट्राई। एक घंटा, एक जितना कहेंगे। नहीं, जितना मैं क्यों करूँगा, एक घंटा। हम तो बिठा के चले जाएंगे, हमें तो जाना है। और सांप बीच में रहेंगे, फिर हम जब आएंगे जब खोलेंगे। साईं तमा के खबर ना आए कि वो सांप आए। चले भाई उतारे, सांस रोकी भी दम निकला भाई। जरा मुंह से टच करते लेके जाए ना। हाँ ये गुद्दी से टच करें। हाँ हाँ गुद्दी भी। हाँ ये शाबाश, ये कार्ड जो मैंने आपको दिया था इनको दे दे। हाँ आप जाए, आपकी सिलेक्शन हो गई है, तुम्हारी भी सिलेक्शन होगी। जाओ चलो, जाओ जाओ, दोनों जाओ, चलो जाओ, नहीं दे रहा, जाओ ये लो, चलो जाओ, भागो। थैंक यू सर। अनस, अनस है? यस। अनस मलिक, आप हैं उसामा दिल खुर्शीद। दिल खुर्शीद क्यों है? वालिद का नाम है? दिल खुर्शीद वालिद। जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये आपके वालिद साहब के लिए, आपके लिए नहीं। शुक्रिया। सैयद शारिक अली। यस सर। और इसके अलावा है हमारे साथ ज़ीशान रिशु। सैयद शारिक अली साहब, आपका डार्केस्ट सीक्रेट, आप कहते हैं कि बी प्लेइंग विद फ्रेंड अकाउंट लॉक क्या है? समझाओ ये लिखा क्या अंग्रेजी में? ये किसी फेक अकाउंट बना के अपने दोस्त को, अभी थोड़ी देर पहले शेक्सपियर का इंतकाल हो गया, किसी फेक अकाउंट बना बेटा, अगर अंग्रेजी नहीं आती कोई शर्म की बात नहीं, शर्म उनको आनी चाहिए जिनको उर्दू नहीं आती। लेकिन अगर अंग्रेजी नहीं आती तो कोशिश करनी चाहिए, आपने कोशिश भी नहीं की। इधर आ जाओ। एम उसामा पैशन। एम उसामा पैशन, समझा नहीं सर। समझा खुद, मैं भी नहीं हूँ। आप लिख रहे हैं एम उसामा पैशन इज डांस। माय पैशन। एम क्या मतलब? आई लिखना था, एम गलती से आई नहीं लिखना। माय माय पैशन इज डांस। मैं आप अपनी ग्रामर सही करूँ यार, क्या करूँ? सॉरी सर। फिर आप कहते हैं कि एम आ, अच्छा डेयरिंग में भी आपने इतने बाद डेयरिंग की स्पेलिंग गलत दिखी है, और आपने कहा आई एम डेयरिंग पर्सन एंड आई लाइक टू डू डिफिकल्ट टाइप ऑफ स्टंट। डिफिकल्ट टाइप ऑफ स्टंट क्या होता है? स्टंट खुद स्टंट होता ही डिफिकल्ट है। डिफरेंट लिखना चाह रहे हैं, डिफरेंट। आप कहते हैं कि मैंने 20 या 25 फीट हाइट पे स्टंट किया था विदाउट हार्नेस के। क्या चीज़ है सर? वो बेसिकली मैं जहाँ पे जॉब करता था ना, तो वहाँ पे एक स्टंट था, वो प्रॉपर सेफ्टी के साथ होता था, मतलब 100 kg से अबव वो वेट वायर उठाती थी, तो उसमें डिफरेंट ऑप्टिकल स्पार करने होते थे, टायर भी था, रस्सी के साथ भी, हाथ के साथ वो था, तो वो सारा प्रॉपर सेफ्टी के साथ करना होता था। इट इज अ गेम, बट मैंने विदाउट बेल्ट किया था वो।
जब गिर नहीं सकते आप नहीं ना विदाउट बेल्ट किया था गिर नहीं सकते नीचे वो थी लोग वहां पे होते हैं लोग आपको संभाल लेंगे अगर आपको देंगे ना तो वहां पे तीन चार लोग खड़े होंगे ऐसे ही छोड़ सकते आप एक फ्लोर नीचे था मैं वॉलंटियर था वहां पे है? मैं वॉलंटियर जॉब किया तब भी वो आपको कैच करने के लिए कुछ रखेंगे आपको मजा नहीं देते स्टंट वो होता है जिसमें आदमी को बस मौत का दूसरा निशान मौत तो चलिए अच्छा किया आपने ये कोई मतलब ये अच्छी बात है आप सेक्सुअली हैरेस्ट हो कोई आपके साथ ये कैसे कर सकता है बेसिकली मेरी अम्मी मतलब मेरी जब छोटी बहन होने वाली थी हाँ। तो मेरी अम्मी मेरे को नहीं संभाल सकती हाँ, थी तो वो रात को सोने के लिए मेरे को उनके साथ छोड़ देती थी साथ? मेरी वो कजन थी अच्छा वो तकरीबन मैं 6 साल का था उनकी मतलब रिसेंटली उसके बाद शादी होने वाली थी तकरीबन 23-24 साल की होंगी तो मैं उन्हीं के साथ सोता था तो एक 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 दो रात की बात नहीं थी मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ लड़के बिगड़ते कहाँ से क्योंकि हर किसी के साथ होता होगा कोई बताता नहीं लड़के बिगड़ते इस तरह हाँ लड़के कभी बिगड़ कुछ ना कुछ होता होगा लड़के नहीं बिगड़ सकते चाहे वो कुछ भी करे करना डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेट करना मतलब उधर टच करती थी एक किस्म का खेलती थी सीधी सी बात लेकिन यही बात मैंने आज तक अपनी फैमिली से भी ये शेयर नहीं की ये बात और अब जो जाएगी सब घर के साथ मैं बताना चाह रहा था ये बात आज तक बताना चाह रहा था खुल के बताओ अम्मी को बता रहा हूँ यहाँ बताओ जी अम्मी अम्मी मैं आज तक आपको ये नहीं बता सका लेकिन ये वाकया मेरे साथ हुआ था जब हमारी वो आप पप्पो के पास हमें मुझे सुलाती थी तो ये सारी पप्पी साथ बहन थी वो बेसिकली मेरे अब्बू की कजन थी तो रात को अक्सर मेरे साथ ये हरकतें होती थी ये सारी चीजें होती थी उस टाइम मेरे को हाई नॉलेज नहीं थी इस चीज की इतनी ना मैं आपको बता सका और बाकी ये था उस टाइम पे मैं जैसे कि शरारती था लोग आके मेरी कंप्लेन करते थे आप भी बोलती थी कि भाई तेरी गलती है और उल्टा मेरे को ही मार देती थी तो इस वजह से मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी हालांकि एक दो बार जब किसी मेल ने जब थोड़ा सा और मैच्योर हुआ किसी मेल ने जब की थी तो मैं भाग के आया था मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी लेकिन ये बात मैं कंफ्यूज था क्योंकि मतलब हमारे यहाँ माशरे में ऐसा हो गया ना लड़कियों को लेके कि यार मतलब गलत होता है तो सिर्फ लड़कियों के साथ हो सकता है लड़के की कोई फीलिंग नहीं है लड़के के साथ कोई नहीं लड़के के साथ हो अब किसी से शेयर भी करे वो बोले उल्टा भाई थे कोई मजे आने तो ये सारी चीज़ ना मेरे अंदर कहीं थी जो मैं किसी से भी आज तक आपसे क्या मैं किसी दोस्त से ये बात नहीं शेयर कर पाया क्योंकि उल्टा सब कहते भाई तेरे साथ तो अच्छा ही हुआ है लेकिन ये अच्छा नहीं है ये बिगड़ने की जड़ है इधर से लोगों को पता चलता है अब 6 साल के बच्चे को नहीं पता होता क्या होता है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं लेकिन जब वो ये चीज़ें उनके साथ डेली रूटीन में होती हैं वो आसपास के माशरे में देखते हैं ये सारी चीज़ें हो रही है तो वो इस चीज़ पे इफेक्ट होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर एंड में ये होता है कि वो लड़का अगर कोई करता है बिल्कुल बिगड़ जाता है तो उसी लड़के पे तंकीद होती है कि तुमने ये किया तुम ऐसे हो तुम ऐसे तुम्हारी नजरों में गंद है ये जिसने 6 साल की उम्र में इतना गंद देखा हो तो वो उससे क्या एक्सेप्ट कर सकता है आपने बहुत अच्छे अंदाज अपनी अम्मी को बताया बहुत अच्छा आपका जुमला लगा कि ये कहना कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है लड़कों के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है आपका पैगाम भी बहुत अच्छा है कि और ये सारे बच्चों के लिए और सब लड़कियों के लिए भी है कि किसी गैर से या किसी भी स्ट्रेंजर के साथ बात न करें गुड अच्छा ये बताइए मुझको कि फेम एंड मनी ये आपकी जिंदगी का मकसद है बेसिकली मेरे फादर हैं वो डिसेबल हैं सही है तो मैं इकलौता भाई हूँ अपने घर पे मेरी दो बहनें सही है तो बहुत छोटी एज में अब्बू के हालात ऐसे हो गए थे कि घर वालों ने भी खानदान वालों ने भी मुंह मोड़ लिया उनको कोई हेल्प वगैरह कुछ नहीं करता था मतलब किसी तरीके से इवन के हमारे दादा ने सगे दादा ने वो एरिया दिया हमें रहने के लिए जहाँ पे गाय भैंसे बांधी जाती हैं उसका एक रूम सही था तो बचपन में एक चाह थी एक मोटिवेशन थी अंदर के यार लाइफ में कुछ करना है सही है अमीर बनना है फैम हासिल करना है लाइफ में मतलब जिस मुश्किल से मुश्किल वक्त इसलिए मैं 17 साल की एज में अकेला कराची आया था बेसिकली हम पंजाब से हैं तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया इवन के ऐसे दिन भी देखे कि जब कज़नों ने हालांकि मेरे कज़न थे कराची में लेकिन एक टाइम आता है किसी के घर भी रहो ना तो वो आपको सुनाने शुरू कर देते हैं तरह तरह की बातें तो बीच में एक मेरे कज़न के साथ हालांकि मैं उनके साथ बहुत क्लोज था लेकिन उन्होंने एक बात बोली मेरे घर में रहना मेरे तरीके से रहेगा सही है वरना निकल वो बस इतनी सी बात थी मैं पार्क में खेलने गया हुआ था और उन्होंने कहा था आ मेरे साथ एक काम है हालांकि मैं कंटिन्यूसली उनके साथ कामों पे जाता था जो कुछ भी आपने कहा है ये आपकी मर्जी से जी जी
हमने आपको फोर्स किया? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वही दो बात है। नहीं, तीसरी बात ये कि अगर आप चाहें तो ये हट सकता है अभी भी, अगर ये डल गया तो मुझे कोई इशू नहीं। एक दफा अगर डाल दिया? नहीं नहीं मुझे कोई इशू नहीं। दूसरी बात ये कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है फेस करने के लिए रेडी। आ जाए इधर आ जाए। अनस आपके बारे में लिखा है, डांसर है जी, पिंक पैंथर का डांस कर लेते हैं सर। टोडन 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 कर देंगे सर। सर कर तो लूंगा। करो सर। म्यूजिक आप बजाएंगे या मैं बजाऊंगा? बोलेंगे मुझसे। बोले 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 क्या बात बोले आप म्यूजिक क्या बोले बोले ऐसे मुंह पे तो कुछ नहीं बोल जी, मुंह ऐसे बोले खुश होके बोल। ऐसे बोलता हूँ। ऐसे क्यों बोलते हो जी? ऐसे ये मुंह है तुम्हारे, ये वायरस हूँ बोल है। अच्छा तुम बना के देखो ये अच्छा मुंह है, बनाओ। अल्लाह माफ करे, तो बस और बनाओ कुछ, मतलब मुंह तुम कुछ करो मुंह के साथ कुछ करो। तुम जब डांस करते हो जी एक्सप्रेशन नहीं देते थोड़ा डांस मिसाल के तौर पर, अगर गाना भी छोड़ रहे भीगे होंठ तेरे प्यासा मन तेरा तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? जाने जाना ओ जाने जाना, वो कह रहा है जब जब तेरी सूरत देखो प्यार सा दिल में जागे। प्यार कौन करेगा तुमसे? तुम्हारी सुहागरात दुनिया की बदतरीन सुहागरात। अगर मुंह है इसके, इस मुंह पे कोई कुछ नहीं करे, ये देख भाई क्यों कुछ नहीं करते? और इन जूते पहने तुमने सर रेड, और मुंह तुम्हारा ग्रे, मुंह खुश खुश होना चाहिए। अच्छा कभी तुम्हें खुशी की कोई खबर मिले, मिसाल के तौर पे तुम्हें माहिरा खान ने पसंद कर लिया, अल्लाह यार खुदा की समझ, तो माहिरा खान भी ऐसे, ये तो बहुत बुरा आदमी यार। भाई अच्छा जी, आप डेयरिंग बॉय? जी बिल्कुल। मेरी वजह से? ओहो ये बात, ऐसा क्या? मेरी वजह से चैंपियंस ट्रेंडिंग पर नंबर वन जाएगा? जी बिल्कुल। क्या ऐसा आप करोगे कि नंबर वन जाएगा? चैंपियंस के लिए कुछ भी करूंगा। तुमने बहुत बड़ा दावा किया, मेरी वजह से चैंपियंस ट्रेंडिंग में नंबर वन जाएगा। अब मैं तुम्हारी वजह देखना चाहता, मतलब कि सिंगिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा चलो आगे दिखाओ, अभी बता दूंगा मैं ट्रेंडिंग में नंबर वन जाते हैं। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही। समझो वो सुन रहा है, ये है तुम्हारा गाना और ये कॉन्टेंट। जगजीत सिंह से सीखा है क्या? जन्म जन्म क्या कर रहे तुम हैं? अबे हम रूहे नहीं बुला रहे माँ, कोई और सुना के देखो। साहिल पे खड़े, अल्लाह अकबर, अगर तुम साहिल पे खड़े हो तो साहिल तो खत्म हो जाए। क्या ये कौन आ गया दोबारा करना साहिल पे? कैसे साहिल पे खड़े
साहिल पे खड़े क्या करो, साहिल पे खड़े पानी पूरी बेच रहे हो, साहिल पे फिर खड़े हो, फिर खड़े हो जरा, फिर बोलो साहिल पे खड़े हो तुम, फिर बोलो, हाँ बोलो, ये तुम बेकार है तो बोलो, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना आगे, मैं डूब रहा हूँ अभी, छोड़ यार भाई, याद नहीं हो रहा भाई, याद से भी गंदा हो रहा है, उल्टी आ रही है, चारों को भेज दो यार, यार तकलीफ हो रही है मुझे, यहाँ से मैं सीधा टब्बा हॉस्पिटल जाऊँगा यार, जाओ यार, जाओ जाओ भाई, कुछ नहीं आता तुम लोगों को, और तुम तो बता ना, तुम बोलाओ से बहुत दूर से जाओ, और तुम तो किसी जगह नहीं जाना, तुम मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ना कहीं खाना खाने जाना ना कुछ खरीदने जाना, खाना खाने जाओगे लोग बिल नहीं देंगे, मुफ्त में दे देंगे, कपड़े खरीदने जाओगे लोग कहेंगे पहने हुए तो जा भाई, ऐसे रिश्ता लेके जाओगे तुम्हें लड़की दूर से भाग जाएगी, तुम देखते से रहो जैसे अभी इज्जत टूट लोगे, जाओ भाई जाओ जाओ चारों जाओ बेटा, अभी जाओ जाओ चारों भी जाओ, अभी चारों जाओ, अभी चले जाओ 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 जाओ। सैयदा कंजा खालिद, यस, एंटर किया आप जी, आप कहती हैं कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जी, हाँ बिल्कुल, क्या क्या होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब हर बात मुंह पे कह देना, और क्या कहते हैं किसी की कोई बात बुरी लग जाए तो फौरन मुंह पे जवाब दे देना, हाजिर दिमाग हो, हाजिर दिमाग और स्ट्रेट फॉरवर्ड में बड़ा फर्क होता है, हाजिर दिमाग एक अलग चीज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आप खरी बात होते, खरी बात ही करती हूँ मैं, जाहिर सी बात है भले किसी को बुरी लगे या भली लगे, और आप कर देती हैं बिल्कुल, जो कि करनी चाहिए हर इंसान, जरूरी नहीं कभी कभी इंसान को मसले से भी काम लेना चाहिए, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, करता है सिचुएशन पे कि किस टाइप की है, ठीक, तो वो आप उसका लिहाज करती हैं सिचुएशन, बिल्कुल ठीक, आप ये कहती हैं कि जब मेरी जात पर बात आए तो मैं फिर किसी को नहीं छोड़, बिल्कुल, क्या आती है आपकी जात पर, जात से मुतालिक, जैसे मेरा मसला है ना, मेरा और आपका मसला है, ठीक है, मेरे घर तक जाओगे, हमारा आपका क्या मसला है, मतलब एक मैं वो बता रही हूँ कि अगर मेरा और उनका मसला है तो मुश्तक आओ, मेरे घर वालों तक आओगे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, सही बात, बिल्कुल ऐसे ही है, घर वालों तक क्यों आते लोग, मतलब होता है अक्सर दोस्त के ये वो फलाना ढिमका, मतलब गालियाँ और इस तरह, मतलब मजाक ही मजाक में, मजाक में भी मुझे ये बातें बर्दाश्त नहीं है, आपका एक सीक्रेट जवाब बता देना चाहते, बिल्कुल बता दे, मुझे बता, ठीक है मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये बात बताना नहीं चाहती थी, मैं एयरफोर्स में जा रही हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह, तो बस यही सीक्रेट था, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, हाँ गुड 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 गुड, फिर तो आपसे डरना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं डरे आप, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप सारी बातें अपनी अम्मी को बताती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं कुछ नहीं छुपाती, क्योंकि मेरे माँ बाप जो है ना वो मेरे माँ बाप नहीं, मेरे दोस्त हैं, जो कि आजकल होना चाहिए सब माँ बाप को, कि बच्चे उनसे कोई बात ना छुपाएं, डरती हैं आप किसी से, मैं किसी से नहीं डरती, किसी से भी, किसी से भी नहीं, इसमें शक्ल बतानी कर रहा था, मैं किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं डरती तो नहीं डरती, वही बताऊंगी, अकेली बहन है आप, बहन भाई हो आपका कोई, तीन बहन एक भाई, तीन बहन, भाई डरता आप, भाई मुझसे कभी कभी डरता है, छोटा है ना लाडला, छोटा है, अच्छा छोटा, घर वालों का कितना ख्याल रखेंगे बाद में, क्योंकि आप जब चली जाएंगी तो फिर मुश्किल होगी, घर वालों का मैं जब अभी ख्याल रखती हूँ तो बाद में, तो अभी क्या ख्याल रखते हैं, बस कभी अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए घर में तो सबसे ज्यादा टेंशन मुझे, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, मतलब कि मेरे पास ही पहली कॉल आ रही होती है कि यार ये हो गया वो हो गया, तो डेफिनेटली सी बात है मैं एक जिम्मेदार लड़की, आपके पास पहली कॉल क्यों आ रही होती है, आप कहाँ होती है, मतलब अगर मैं कहीं गई भी होती हूँ, जैसे मैं टिकटॉकर हूँ, ठीक है, मैं टिकटॉकर भी हूँ, ये बताया नहीं आपको, ये टिकटॉकर की एक डिग्री हो गई, जो भी आदमी, मैं टिकटॉकर हूँ, नहीं मैंने आपको ये नहीं बताया, हर आदमी अपना तारुफ कराते वक्त मैं टिकटॉकर हूँ, तो क्या होता है, क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ होती हो, मैं वीडियोस बनाने जाती हूँ, इसलिए मैंने आपको, टिकटॉकर कैसे हो गई आप, पर टिकटॉक पर आप काम, मतलब टिकटॉक पे अगर मैं काम बेस, अभी टिकटॉकर नहीं आप, आपने एक टिकटॉक पर वीडियो बना दी तो आप टिकटॉकर हो गई, हर कोई नाम से तो जानते ना कि हाँ भाई ये टिकटॉकर, आप फेसबुक पर, तो फेसबुक ही है, क्यों फेसबुक ही से, फेसबुक ही, मतलब ये तो कोई वो ही नहीं हुआ, टिकटॉकर भी कोई चीज है, टिकटॉकर इसलिए बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, ये नाम ही नहीं है, आप लोगों ने जांच किया, क्योंकि हमें वहां से फेम मिला है, नहीं फेम नहीं होता, फेम होता है, और दूसरी बात ये कि टिकटॉकर कोई चीज ही नहीं है, चलें वो आपकी नजर में नहीं है, लेकिन है ही नहीं ना ये इस्तिला, भाई एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, टिकटॉकर हूँ मैं, टिकटॉकर तो डिग्री लग रही है, मैं टिकटॉकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ,
मैं टीचर हूँ, मैं टिकटॉक हूँ, मैं टिकटॉक बनाती हूँ, टिकटॉक बनाती हूँ, ये समझा रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। आपको अगर सेलेक्ट करनी है तो आपके लिए डेयर क्या होना चाहिए? जो आप बोलेंगे मैं कर सकती हूँ, जो भी कहूँगा, जो भी कहेंगे। तो आपको डेयर देते हैं हम, लेकिन पहले जरा एक और खातून को बुला लें, तो दूसरी खातून को भेजे बैठे। तो आपका नाम हया खान? जी हया। मैंने आज तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। जी बिल्कुल। वो क्या फेस किया? मैंने अपनी छोटी सी एज में, छोटी सी एज में, एज क्या है अभी तो स्ट्रगल करते करते और बहुत कुछ फेस करते करते काफी हो गई। मैं 27 ईयर ओल्ड की हो गई। और छोटी एज क्या थी जब आप शुरू हुई? छोटी एज थी मेरी 18। क्या की? मतलब उस वक्त बंदे को कुछ, मतलब बच्चे को कुछ समझ नहीं होती, खेलने कूदने के आपके दिन होते हैं, और मैंने बहुत सारी अपनी किस्मत को लेके क्या प्रॉब्लम्स फेस। आपने कहा मैंने अपनी किस्मत से बहुत दफा हारी। नहीं, किस्मत से हारी कैसा? किस्मत से ऐसे हारी कि मेरी शादी हो गई थी। ये किस्मत से हारना सुनो, हो सकता है आपकी किस्मत में यही लिखा हो। जी सर, आज और हो सकते तो फिर आप किस्मत से हारी तो नहीं, किस्मत से जीत गई? हारी नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ फेस किया। ये कहना आप किस्मत से हारी नहीं, किस्मत से जीत गई। बहुत कुछ फेस किया, बहुत, मगर जीत गई। बिल्कुल। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया साथ? नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज का फख्र है कि मैंने आज तक कुछ गलत नहीं किया और ना ही किसी के साथ ज्यादती की है। मेरी स्टोरी यह है कि मैं छोटी सी थी, मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी, क्योंकि हमारे खानदान में बहुत जल्दी छोटी एज में शादी हो जाती है। मेरी शादी हो गई और शादी के बाद हम लोग ठीक रह रहे थे। मैं मतलब प्रेग्नेंट हो गई, हॉस्पिटल चली गई, एडमिट हो गई। मेरे हस्बैंड को उनकी मोबाइल शॉप थी, वहाँ एक लड़की आई उनसे मोबाइल वगैरह परचेज करने। उन्होंने उसको अपना नंबर दिया और सेट कर लिया, और मैं 2 मंथ तक हॉस्पिटल में एडमिट ही थी। मतलब ना मेरा प्रॉब्लम हो गया था, मुझे होली फैमिली वालों ने एडमिट कर लिया था, और मेरे हस्बैंड ने उसके साथ किया, और उसकी जो फूफो थी और सास थी लड़की की, उन दोनों को देख के एक साथ है? एक साथ देख गई उसी घर में, एक साथ देख गई अपनी बहू को और मेरे हस्बैंड को, देख गई अपने ही घर में। ये उनके घर में हुआ। इतनी देर में मैं हॉस्पिटल से वापस आती हूँ, मुझे मोबाइल लेने का, चेंज करने का बहुत एक क्रेज है। मैंने उनसे बोला कि आपके पास बड़ा मोबाइल है, आप मुझे दे दें, आप ये छोटा मोबाइल रखते हैं। उसमें कुछ सेंड मैसेजेस पड़े हुए थे, जो सेंड मैसेजेस थे वो मैंने रीड कर लिए, और उसमें मेरे भाई हैं एक बने हुए, सईद नाम है उनका। उन्होंने उन्हें बोला कि जो तुम्हारे घर में है वो भी किसी की बहन बेटी है, उसका ख्याल करो। और इस बात से मुझे थोड़ा सा पता चला कि कुछ गलत हो रहा है। मेरे हस्बैंड, मैं काफी रोई। मेरे बच्चा डिलीवरी हुए हुए 3 दिन हुए थे, और मैं काफी रो रही थी। मैं, मेरे हस्बैंड आए जब काम से वापस, मैंने उन्होंने बोला कि आपने गलत किया। क्या गलत किया वो मुझे बताएं। मुझे कहते हैं मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ खुद भी। मैंने अभी तुम्हें कुछ बताना है? मैंने कहा ठीक है, मुझे भी कुछ पूछना है। खैर 3 दिन बाद मैं जब अपने सेपरेट रूम घर में चली गई ऊपर, और जब मैं ऊपर गई अपना, मैंने घर वर साफ किया, अपने बच्चे को रखा वहाँ बैठी हुई। मेरे हस्बैंड दिन को आए खाना खाने के लिए, और मुझे ऊपर देख के कहते हैं तुमसे रहा नहीं जाता, ये वो, तुम ऊपर आ गए इतनी जल्दी, अभी कल बच्चा पैदा हुआ, तुम ये वो। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताएं कि आपने ऐसा किया क्या। उन्होंने बोला कि इस तरह एक लड़की है मेरी शॉप पे आती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, और आज उसका ऑपरेशन है, डिलीवरी है उसकी, वो हॉस्पिटल में है, मेरी उससे सुबह से बात की हुई, कॉल करो और उससे पूछो कि वो ठीक है, उसके हस्बैंड के नंबर। यहाँ रुक जाएं, आपके बच्चे को पैदा हुए कितने दिन हुए? अभी 8 दिन हुए। 8 दिन में बच्चा आपका भी हुआ? जी। और उसके कुछ अरसे के बाद वो उससे मिली और बच्चा उसका भी हुआ? नहीं, उनसे नहीं हुआ, उसके अपने हस्बैंड का था, वो भी मैरिड। हाँ तो ये बताए ना, मैं तो टेंशन में आ गया कि ये कौन सुपरमैन है जो बच्चे इस तरह पैदा कर रहा है। उसके हस्बैंड का बच्चा, मैं बड़ा परेशान हूँ। खैर मैंने बहुत साथ दिया, मैंने उस बात पे भी कॉल की उसके हस्बैंड को, और मैंने बोला मैं रिफत की दोस्त बात कर रही हूँ, मेरी रिफत से बात करवाएं। रिफत से बात करवाई, मैंने कहा रिफत मैं एहसन की कजन हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? एहसन आपके लिए बहुत परेशान है। मुझे बोलती है एहसन को बोलो मेरा बेटा हुआ है। मैंने बोला ठीक है, मैंने कॉल काट दी, मैंने एहसन को बोला, उसने बोला कि मेरा बेटा हुआ। मैंने कहा अब मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, ये आपने गलती की, अल्लाह से माफी मांगे इसकी, मैं आपका साथ फिर भी दूंगी, आपने किया गलत है, अल्लाह से माफी मांगे, कर ले उससे भी शादी, मुझे अपने घर के एक कोने में जगह दे देना मेरे बच्चे के साथ, मैं रह लूंगी, मुझे 4 दीवारी के अंदर रखना, मैं अपने माँ बाप को जलीलो ख्वार नहीं कर सकती।
उस बंदे ने बोला मैं उससे पूछ के तुम्हें बताता हूँ। उसने उससे पूछा और उसने बोला मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारी बीवी के साथ नहीं रहूंगी, इसे छोड़ना पड़ेगा। मुझे उसने एक तलाक दे दी, मैंने बच्चा उठाया और अपने घर चली गई। मैं घर गई, मैंने अपने बाबा को बोला रोते हुए कि मुझे तलाक हो गई, खत्म हो गया सब। मेरे बाप ने मुझे गले लगाया, घर रख लिया। फिर भी इससे मेरी बातचीत होती थी मैसेज पे, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे का बाप था, मैं अपने बच्चे को यतीम या अपने बच्चे को बेआसरा नहीं करना चाहती थी, बेसहारा नहीं करना चाहती थी। मैं अकेली उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं घर से कभी बाहर ही नहीं निकली थी। खैर एक हफ्ते के बाद पता चला कि वो जेल चले गए। जब जेल चले गए मैंने अपने मुझे शौक में एक जगह बैठी हुई सुन हो गए, बिल्कुल कंपनी है उसके थ्रू मैंने घर से कदम बाहर निकाला। पता चलते चलते मैं तक चली गई, फरोशी में जाके बैठ गई कि मैं इस फरोश करूंगी, शायद यहाँ कभी मुझे ऐसा मिल जाए, मैं पता कर लूं क्या है क्या नहीं है। मुझे कॉल आती है एहसन की जेल से कि मेरी आज के पास तारीख है तो आप आ जाना, मेरी डेट है। जब एहसन रिफत के वकील ने मुझे देखा तो मुझे कहता है तुम एहसन की? मैंने बोला हाँ। बोला इसके लिए तुमने इसे, इसने छोड़ दिया इस के लिए? मैंने बोला हाँ। उसने मुझे बोला कि मैं रिफत का वकील हूँ। मैंने बोला मुझे कहता है तुम मेरे साथ कर लो। मैंने बोला ठीक है मैं आपके साथ कर लेती हूँ, लेकिन आप एहसन का भी केस लड़ेंगे। उन्होंने एहसन का भी केस लड़ा, उन्होंने रिफत का भी केस लड़ा। एहसन ने जिद की कि पहले तुम रिफत को बाहर निकालो। अच्छा उन्होंने पहले, हमने रिफत को बाहर निकलवाया। रिफत को इसने बोला कि उसको जेल से तुमने पिक भी करना है और उसके भाई के हवाले भी करना है। मैंने वही किया, उसको जेल से पिक भी किया, उसके भाई के हवाले भी किया। 9 महीनों बाद एहसन की भी जमानत होगी। एहसन के अब्बू ने भी मुझे यूज किया, एहसन के भाइयों ने भी मुझे यूज किया, एहसन की माँ ने भी मुझे यूज से मुराद ऐसे इस्तेमाल किया, कचहरी में, कोर्ट में, केस में, डेट में, मेरे साथ 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 साथ। बेटा 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 जब एहसन रिहा हुआ उसको जेल से हम लेके आए, एक गाड़ी हम यहाँ से लेके गए, हमने उसे पिक किया, मुझे मेरे घर के बाहर उतार के चले गए और बोला सुबह ही आएगा तुम्हें लेने। मैंने बोला ठीक। मैंने वहां पे भी बोला ठीक है, वो चले गए। कहानी आपकी खत्म कब होगी? इसमें हुआ क्या आखिर में? इसका क्लाइमेक्स क्या? ये हुआ कि जब वो बाहर आ गया मुझे लेने, दूसरे दिन उसके घर गई तो उसकी अम्मी बोलती हैं या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी, तुम गए इसकी वजह से जेल हो। मैंने बोला नहीं अम्मी आप रहेंगी, ये आपका मतलब आपकी कहीं पर भी मजलूमियत खत्म ही नहीं हुई? खत्म अभी तक नहीं, अब तो हो गई। अब कैसे? अब हो गई तो मैं यहाँ बोल रही हूँ ना। नहीं मजलूमियत कैसे खत्म हो जाएगी? अब इस तरह खत्म होगी कि अब मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। लो इतनी तो बन चुकी है, अब बनाने बन गई ना, वो तो पता ही नहीं था मुझे कुछ भी। अभी भी अगर आपको कोई बनाएगा आप कहेंगे मैं नहीं बनूंगी, कभी भी नहीं बनूंगी। अब आप कहाँ रहती? मैं कराची में रहती। नहीं नहीं कहाँ रहती, किसके घर? मैं अपने घर रहती हूँ, मैं सेपरेट रहती हूँ, अलग रहती हूँ, बिल्कुल अकेली रहती हूँ। और मेरे माँ बाप की बहुत सारी दुआएं मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा आपसे नहीं मिलता? मेरा बच्चा मुझसे नहीं मिलता, इवन तो मुझे पहचानता ही नहीं है, और ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक बात है। क्या तबसरा करेंगे आप इनकी कहानी पर? यही कि पहले जब शादी कर रहे थे तुम्हारे पेरेंट्स तो देख के करना चाहिए था कि कैसा बंदा है, क्या है क्या नहीं है। इतनी जल्दी तो करनी नहीं चाहिए पहली बार शादी में, और अगर की भी थी तो थोड़ा देख ही लेते। और तुमने कैसे कॉल पे बात कर ली उसकी गर्लफ्रेंड से? यार मैं इसको मार देना चाहिए था जान से, मैं नहीं मार सकती थी। ऐसा होता है, लड़की अपनी बात मनवा सकती है। आपको मुस्कुराहट आती है? कभी नहीं आती। मुस्कुराहट आती है? हंस के दिखाएं, मुझे अभी तक मैंने देखा आपको हंसते। अच्छा आती है? ठीक तो इंसान को सब्र करना चाहिए जब ये सब पता है जी, तो फिर ये क्यों लिखा कि मेरी किस्मत से हार गई? सब्र भी कर रही हैं आप? किस्मत से हारी नहीं हूँ आज तक। आप मेरे नजदीक किस्मत से जीती हुई, और आप मेरे नजदीक जो है वो एक बहुत बेहतरीन कहानी नवीस है। आप एक अच्छी कहानी लिख सकती है, लिखना चाहे अगर, ये पूरी आपकी कहानी बन सकती है। अब आपके लिए हम देर मंगवाते हैं। देर मंगवाई क्योंकि आपने बहुत तकालीफ उठाई है जी, बिल्कुल, और आपने भी बहुत जरूरतमंदी का मुजाहरा किया है। खरी बात करती है, जो करती है मुंह पे करती है, तो अपने मुंह को जरा संभालिएगा क्योंकि अब आइए यहाँ नशीब लाइए, दोनों आ जाए, दोनों आ जाए, खड़ी हो जाए, उठाएगा मुझे इसका मुंह मुंह में रखना। Help me! Help me!
जा तो दिखे। मैम सुंदर कैसी हैं आप? बैठे, आपको तो तारुफ की जरूरत नहीं है। शशि जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आप तो पहले सिलेक्ट हो गई थी पिछली दफा, आ नहीं सकी थी। आ नहीं सकी, क्या हुआ था? तो प्रॉब्लम्स थी। कौन सी प्रॉब्लम? आप लोग तो प्रॉब्लम दूर कर देते। बस प्रॉब्लम थी, इस वजह से आ नहीं सकी। देखिए आप तो दोनों जाते हैं, दोनों दोस्त हैं तो प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। हरीम कैसी है? भी ठीक है। ठीक है, शादी हो गई उनकी? नहीं। अच्छा, वो गलत खबर है, उन्हें तो खुद ऐलान किया। चलो छोड़ो, से बात नहीं करते। अच्छा ये बताएं कि मैंने जो पढ़ा अभी तक आपका, उसमें आपने ये बताया कि आप गरीबों की मदद करती हैं जी, और जो नीडी पीपल होते हैं और वहाँ आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। कहाँ कहाँ आपने मदद की? अपने इलाके में, अपने गांव में, और जहाँ मैं रिहायश पजीर हूँ पिशावर में, वहाँ पे भी चैरिटी कर रही हूँ। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी ब्लड डोनेट करवाती हूँ उनके लिए। आपने बाल अपने ऐसे क्यों कर लिए? आपके तो बाल बहुत अच्छे थे। लुक चेंज करने चाहिए ना हर बार? करनी चाहिए इस बार। अगर लुक चेंज करने के लिए किया है तो ठीक है, ऐसे रखिएगा मत। अच्छी नहीं लग रही? नहीं, वो पहले लग रहा था, पहले अच्छे लग रहे थे, अब नहीं अच्छी लग रही। अच्छी तो आप अच्छी लग रही है, तो बाल भी अच्छे। अच्छा बताएं कि आपकी जिंदगी में कुछ भी डार्क नहीं है, कोई डार्क सीक्रेट नहीं है? नहीं। तो क्यों नहीं है? ये तो सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक काला राज होता है। नहीं, ऐसा कोई राज नहीं है, सबको मेरे बारे में सब कुछ पता होता है और मैं सब कुछ बताती भी हूँ। राज को राज कभी रखा ही नहीं है। अच्छा वैसे राज को राज रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राज राज रहते नहीं जी, राज लोग तलाश कर लेते। आप कहती हैं कि आई कट माई फ्रेंड्स हेयर जी, आप उनके बाल काटते? मेरे एक फ्रेंड था, प्रैंक किया था उसके साथ, वो चल रहा था और मैंने दूसरे फ्रेंड को बोला कि जाके कैंची ला के दो, कैंची लाया और मैं उसके बाल बहुत पीछे से बड़े थे तो मैंने उसके बाल काट दिए। काट दिए जी। बाल ही काटती है ना? जी बाल ही काटती है। और थप्पड़ भी मारती है? जी थप्पड़ भी मारती है, जब कोई बदतमीजी करे तो थप्पड़ जोर से मार देती है जी। छोड़ती नहीं है? नहीं छोड़ती नहीं है। इसमें लिखा था व्हाट इज दैट वन डिजायर दैट कैन मेक यू डू एनीथिंग जी, तो आप कहती हैं फोर्सिबली? मुझे कोई चीज फोर्स नहीं करती, मैं ये चीज कुछ करके दिखाऊं, बस दिल करता है तो वो चीज कर। अभी क्या दिल कर रहा है आपको? अभी यहाँ से सिलेक्ट होके जाना, ये दिल कर रहा है। सिलेक्ट होने जा रहे हैं जी, क्या करना चाहती हूँ? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा। मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे शादी भी करना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? शादी करना चाहती हूँ? ठीक, कितनी शादी हुई है आपकी? मेरी दो शादी। क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ? हाँ, आपके पास? हाँ आ सकती हूँ। ये सारी बातें बेहयाई थी। क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ आपके पास? हाँ आ सकती हूँ। आपके लिए हम ढेर मंगवाते हैं, उठाएंगे उन्हें, इसका मुंह मुंह में रखना। आप यार नहीं बोलेंगे? यार चुप चुप, मेरी हाथ पोर पे स्माइल है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप नहीं हंसे। नहीं हंसे? अरे मेरे पे स्माइल नहीं हंसे ना? नहीं हंसे? नहीं हंसे? हंसो, मेरी स्माइल है। नहीं तो मैं बाहर जाए, जाए बाहर जाए। उसने गा लिखा हुआ है जो पैटर्न है। मजाक हो रहा है कोई? हां ये मजाक हो रहा है। गेट आउट, बाहर जाए। अरे मैं आपसे बोला क्या है? गेट आउट। ये मैंने बोला क्या? गेट आउट। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।